हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके इस चैनल में। मैं हूँ राकेश पवार। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नल और टंकी, यानी कि पाइप एंड सिस्टम। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके भी जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकेंड में भर जाए। तो जरा ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। दो नल है ए और बी, ये हो गए हमारे ए नल, ये हो गया हमारा बी नल। ए जो है वो 48 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 36 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 48 और 36 का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों की हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि 48 की जो ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है और बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। 48 और 36 का जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 144। आप एलसीएम निकाल सकते हो। 48 और 36 का हमने एलसीएम निकाला तो कितना आ गया हमारे पास, 144। अब हम इस 144 को जब 48 से डिवाइड कर देंगे तो ए की कैपेसिटी आ जाएगी, कर देते हैं तो कितना जाएगा, 48 को 144 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 8 24 के 4, कैरी 2, 3 2 12 2 14 हो गए हमारे पास 144। अब वापस 144 को 36 से डिवाइड कर दे तो कितने टाइम में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। यानी कि ए की जो कैपेसिटी आ गई वो आ गई 3 और बी की जो कैपेसिटी आ गई वो आ गई 4। ए हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, बी। अब देखो उसके आगे क्या बोला क्वेश्चन में, अगर दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। यानी कि ए की जो कैपेसिटी है वो कम है और बी की जो कैपेसिटी वो है ज्यादा, 4। लेकिन हमें ये बताना है कि ए को कितनी देर में बंद किया जाए कि जो पूरा टैंक है वो 25 मिनट और 30 सेकंड में भर जाए। तो हम बी के 25 मिनट और 30 सेकंड का निकाल लेते हैं कि बी जो है वो 25 मिनट और 30 सेकंड में कितना भरेगा। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो 25 सही 1/2 जो है क्या बी का टाइम है, हम बी का टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ए का निकालना है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम नॉर्मल में, 25 दूने 50 और 1 51/2 कितना आ गया, 51/2। अब यहाँ पर बी की कैपेसिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे उसमें, 4, क्यों, क्योंकि बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 4। तो कर देते हैं 2 2 या 4, 51 दूने कितने हो गए हमारे पास, 102। यानी कि 102 जो है वो किसने काम कर दिया है, बी ने काम कर दिया है। अब टोटल जो काम है वो कितना है, 144। तो 144 में से हम ये 102 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2, यहाँ पे 4 में से 0 गए तो 4, 1 में से 1 गए तो कुछ भी नहीं। ये जो 42 जो काम है वो कौन करेगा, ए करेगा। और ए कितने दिन में करेगा वो निकाल लेते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, ए की कैपेसिटी कितनी है, 3। तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया, 3 एकम 3, 3 2 12। यानी कि ए जो है वो 14 मिनट में पूरा टैंक भर देगा। समझ में आया क्वेश्चन, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। दो नल है हमारे पास ए और बी, दोनों की कैपेसिटी के 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम लेकर हमने क्या कर लिया, उनकी कैपेसिटी निकाल ली। अब उन्होंने बोला कि ए कितने देर में भरेगा अगर वो 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाता है पूरा टैंक। तो 25 सही 1/2 हमने निकाल लिया बी का, क्योंकि बी भी चलेगा इतनी देर, बी कितना भर देता है, 102। अब बचा हुआ कौन भरेगा, ए। तो ए कितना टाइम लेगा बचे हुए में, बचा हुआ कितना था, 42, ए की कैपेसिटी 3 है तो हमने 3 से उसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो कितने आ गए हमारे पास, 14 मिनट। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसकी पर के नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। एक नल है ए, दूसरा नल है बी, एक 18 मिनट में भर सकता है और एक 24 मिनट में भर सकता है। तो यहीं से हम डायरेक्ट इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, 18 और 24 का एलसीएम कितना जाएगा हमारा, 72। ठीक है, एक की कैपेसिटी निकालेंगे तो 72 को 18 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार में जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिरपन 18 चौक 72, और 24 दिया कितना होता है, 72। यानी कि एक की कैपेसिटी आ गई 4, बी की कैपेसिटी आ गई हमारे पास 3। इतनी चीजें यहां तक क्लियर हुई। उसके आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, दोनों जो नल है उनको कितने एक साथ खोला जाता है, मतलब ए और प्लस बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों की एक साथ कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 3 7 कैपेसिटी हो जाएगी। परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले, टंकी जब भरा रही थी उससे 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया, यानी कि अब कौन चल रहा होगा, सिर्फ बी भर रहा होगा, बी चल रहा होगा, वो बी कितनी देर तक चलेगा, 6 मिनट, क्योंकि टंकी भरने की 6 मिनट पहले बंद किया है उसको। तो हम क्या करेंगे, बी की कैपेसिटी निकाल लेंगे 6 मिनट पहले की,
कि 6 मिनट पहले तक बी ने जो है वो कितना काम किया है। तो बी 6 मिनट तक करेगा, जो बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 3, तो 6 18, यानी कि 18 जो काम है वो किसने कर दिया, बी ने कर दिया। अब उसके आगे बात करते हैं, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया, ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। अब जरा देखो, 18 मिनट पे 18 जो काम है वो तो उसने कर दिया, टोटल काम 72, 72 में 6 मिनट जो बी ने एक्स्ट्रा काम किया उसमें कितना काम कर दिया, 18, 72 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, कर देंगे 12, 12 में से 8 गए तो 4, इधर बचे हमारे पास 6, 6 में से 1 गए तो 5। ये जो 54 काम है ये कौन करेगा, ये 54 काम दोनों काम करेगा, दोनों मिलके काम करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 मिनट पहले बंद किया है, मतलब उससे पहले तो दोनों चल रहे थे, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी थी, 7, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, 7 7 जब 49, बचे कितने हमारे पास, 5 5 7 5/7 मिनट, इतना तो ये दोनों मिलके लगा रहे हैं। टोटल हमें निकालना है कि टोटल समय कितना लगा, तो 7 5/7 तो ये लगा रहे हो, 6 मिनट भी अकेला काम कर रहा है तो वो भी होगा, तो कितना हो जाएगा ये, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13/5/7 जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों स्किप करके इसको नोट कर लो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से उसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं, पहला नल हम मान लेते हैं और दूसरा हम मान लेते हैं बी, एक जो है 12 मिनट में और जो दूसरा जो है 16 मिनट में, कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं यहीं पर डायरेक्ट, 12 और 16 का एलसीएम कितना जाएगा, 48, 12 चूंकि कितने हो गए 48 और 16 तिया कितने हो गए 48, यानी कि ए की कैपेसिटी 4 आ गई, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब उसके आगे हम देखते हैं, कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण, कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7:8 पानी आता है, पहला नल है ए में से देखो नल में खराबी आ गई तो पहले वाले नल में से क्या होता है, सिर्फ कैपेसिटी तो उसकी 4 है लेकिन उसमें से पानी सिर्फ कितना आता है, 7/8, तो हम 7/8 से उसका रेशियो निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 का 7:8, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, बचे कितने, 1, हो गए 10, 2 5 जा 10, यानी कि सिर्फ उसकी कैपेसिटी है 4 लेकिन वो पानी कितनी कैपेसिटी से दे रहा है, खराबी होने के कारण 3.5 से, ये तो हो गया पहला नल, और दूसरे वाले से 5/6 पानी आता है, और दूसरे वाले से कितना आता है, 5/6, यानी कि उसकी कैपेसिटी तो है 3 लेकिन 3 तो नहीं आता, उसमें से कितना आता है, 5/6, तो इसको भी निकाल लेते हैं, 3 2 जा 6 कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, बचे कितने हमारे पास, 1, और कितने हो गए, 10, 2 5 जा 10, यानी कि बी जब उसमें खराबी आ गई तो वो 2.5 की कैपेसिटी से देता है बी, और ए जो है वो कितना देता है, 3.5 की कैपेसिटी से पानी देता है। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, अब खराबी को ठीक कर दिया गया है, अब जो खराबी थी उसको हमने ठीक कर दिया है, वो ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है, अब खराबी ठीक हो गई है तो टैंक कितने देर में भर जाता है, सिर्फ 3 मिनट में, तो देखो 3 मिनट तक उन्होंने 4 और 3 की कैपेसिटी से पानी दिया होगा क्योंकि ये तो खराबी का कैपेसिटी है, 3 मिनट तक उन्होंने कैसा दिया होगा, बिल्कुल स्पीड से पानी दिया होगा, तो 3 मिनट का हम निकाल लेते, 3 इंटू 3 मिनट का निकालेंगे तो इन दोनों एकदम जब वो सही थे, जब पानी दिया कितना दिया इन्होंने, एक ने 4 की कैपेसिटी से, एक ने 3, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 4 और 3 7, यानी कि 7 से 7 की कैपेसिटी से पानी दिया, तो टोटल 3 मिनट का कितना हो गया, 7 3 21, यानी कि 21 काम हो गया है। अब हमें बताना क्या है, ज्ञात कीजिए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया, अब हमें ये बताना है, टोटल काम तो 48 है, अब हमें ये बताना है इसमें कि जो खराबी थी वो कितनी देर में सही हो गई, तो जरा देखो 21 काम तो 3 मिनट में कर दिया, टोटल काम है 48, 48 में से हम 21 को क्या कर देंगे, माइनस, 8 में से 1 गए तो 7 और 4 में से 2 गए तो 2, अब ये जो 27 जो काम है वो खराबी की स्पीड से किया है, और खराबी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, उनकी कैपेसिटी को प्लस करके हम डिवाइड कर देंगे, 3.5 प्लस 2.5 को ऐड करके हम क्या करेंगे, 27 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 की 0, के लिए 3 2 5 और 1 6, 6 दशमलव 0, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 चौके 24, कितने बचे हमारे पास, 3 3:6, तो 3 बन जाए 3, 3 2 जाए 6, यानी कि 4:1/2, यानी कि 4.5 मिनट जो है उसमें खराबी को ठीक कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इनको, अगर नोट करना हो तो स्किप करके नोट कर सकते हो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है हमारा क्वेश्चन,
दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 60 जाएगा। 20 तीस 60 और 30 दोनों 60, यानी कि एक कैपेसिटी 3 आ गई, बी की कैपेसिटी 2 आ गई। इतना हमने कर लिया। उसके आगे दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, अब दोनों नल को क्या कर दिया हमने, एक साथ खोल दिया है, टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है। अब 1/3 भाग जब भरा जाता है उसका, टोटल भाग तो 60 है, 60 का हम 1/3 भाग जब भर देंगे तो टंकी जो है उसकी तली में क्या हो जाता है, एक छेद हो जाता है, उसके बॉटम में एक छेद हो जाता है, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। आप जरा देखो दोनों नल कितना पानी भरेंगे, दोनों नल 5 और 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 पानी भरेंगे, जिसमें से रिसाव, रिसाव यानी कि जो होल हुआ उससे कितना पानी निकल जाएगा, 1/3, तो 5 का 1/3 कितना हो जाएगा, 5/3, यानी कि जब रिसाव हो रहा है तब कैपेसिटी कितनी उनकी, रिसाव के समय क्षमता, रिसाव के समय उनकी क्षमता जो होगी वो कितनी होगी, टोटल कैपेसिटी तो कितनी, 3 × 5, जिसमें से रिसाव की वजह से कितना हो जाता है, 5/3, तो बचा कितना, 3 × 5 = 15, 15 में से 5 गए तो 10, 10/3, यानी कि जब रिसाव हो रहा है, जब होल हो गया है तो कितना पानी निकल रहा है, कितनी कैपेसिटी से पानी चढ़ रहा है ऊपर, 10/3 की कैपेसिटी से, ये हमने निकाल लिया। ए की कैपेसिटी 3 है, बी की कैपेसिटी 2 है, जब रिसाव हो रहा है तब कैपेसिटी कितनी हो गई उसकी, 10/3। अब जरा ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन में, ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब जरा देखो 5 पानी भर रहे हैं, 5 में से 10/3 जो है वो पानी निकल जा रहा है, तो कितना समय लगेगा, ए प्लस बी कितनी देर तक, जब टंकी का 1/3 भाग हो जाता है, यानी कि 1/3, 60 का 1/3 निकाल लेते हैं, टोटल टंकी का पानी कितना है, 60, 60 का 1/3 निकालेंगे तो 3 × 2 = 6, 20 × 20, यानी कि 20 जो भाग है वो तो ये ए और बी दोनों एक साथ मिलकर भर देते हैं, जब तक तो 1/3 भाग पे पहुंचा देते, तो कितना समय लगेगा इतना पहुंचाने में, 3 × 2 = 5, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 × 20, यानी कि 4 मिनट इधर लग रहे हैं सिर्फ उनको। अब बचा हुआ कितना, 20 तो भर दिया, टोटल 60 है, 60 में से 20 चले गए तो बचा हुआ कितना है, 40, 40 जो है वो कितनी कैपेसिटी से कर रहा है काम, रिसाव भी हो रहा है उसमें, 10/3 की कैपेसिटी से कर रहा है, तो हम 10/3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर, तो 40 × 3/10 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 × 3 = 12, यानी कि 12 मिनट वो क्या लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, 12 और 4 कितने हो गए, 16 मिनट, यानी कि वो 16 मिनट, हमारा जो क्वेश्चन उसमें घंटे चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा हमें, आवर्स लेना पड़ेगा, यानी कि वो 16 घंटे के बाद उस टंकी को भर देंगे। इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से क्या होता है, दो नल होते हैं, दोनों भरते हैं, और एक जो हो जाता है तीसरा नल लगा रहता है, या तो वो खाली करता है या होल हो जाता है, जो भी है, इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। दोस्तों स्किप करके इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, फिर करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। दो नल है हमारा ए और बी, एक है 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा जो है बी भी 12 घंटे में भर सकता है, एक निकासी नल सी भी है, एक निकासी नल मतलब ऐसा भी नल लगा जो पानी को निकाल रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस में करेगा कुछ काम। अगर तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो 30 घंटे में भर जाती है। अब जब देखो तीनों नल को, यानी कि ए और बी तो भर रहे हैं, और जो सी जो है वो खाली कर रहा है यानी कि माइनस कर रहा है, तो कितने देर में भरा जाते हैं वो, 30 घंटे में। ध्यान से इसको समझिएगा, ए अकेला 10 घंटे में, बी अकेला 12 घंटे में, वो तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में, 30 घंटे में वो भर सकते हैं, तो ए प्लस बी तो भर रहे हैं, सी जो है खाली कर रहा है, तो इसलिए माइनस लगा दिया और हमने यहाँ पर 30 लिख दिया। सबके अलग अलग कैपेसिटी निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं सभी का, 10, 12 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा, 60, 60 लिख देंगे, ए की कैपेसिटी कितनी जाएगी, 10 × 60, बी की कैपेसिटी 12 × 5 = 60, सी की कैपेसिटी 30 × 2 = 60, कितनी आ गई उसकी कैपेसिटी, 2, कितनी -2। अब जब ध्यान से देखो आगे क्या है, ज्ञात करो कि सी अकेला टंकी को कितनी देर में भर सकता है। अब जब देखो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2, कितनी है उसकी कैपेसिटी, 2, ए की कैपेसिटी कितनी है, 6, बी की कैपेसिटी कितनी है, 5, माइनस सी इक्वल टू 2, 6 × 5 कितने हो गए, 11, माइनस सी इक्वल टू 2, माइनस का सी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, 11 में से 2 गए तो 9, यानी कि सी की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास,
नो आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, टोटल काम है 60, सी जो है वो 9 की स्पीड से काम करता है, तो कितने देर में खाली कर देगा वो? तो कैंसिल कर देते हैं, 9 × 6 = 54, कैरी कितने बचे हमारे पास? 6 / 9 कर देते हैं इसको, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 6 × 2 = 3 मिनट या घंटे में वो उसको खाली कर देगा। ध्यान से एक बार समझो, ए जो है 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है 12 घंटे में, एक निकासी नल है तो माइनस कर दिया हमने, वो 30 घंटे में भर सकता है, तीनों एक साथ चले, सबकी कैपेसिटी निकाल लो। ए प्लस बी माइनस सी कितना टाइम लगाता है? तो उसकी कैपेसिटी के बराबर टाइम लगाता है, तो हम उसको ले लेंगे 2 इक्वल में, इधर पूरा ये इनकी तीनों की कैपेसिटी प्लस करके रखेंगे, सब इनकी कैपेसिटी हमें दी रखी है, तो 6 और 5 रख दिया हमने, एक एक की कैपेसिटी 6 तो 6 रख दिया, बी की कैपेसिटी 5 है तो 5 रख दिया, माइनस का सी वैसा को वैसे इक्वल टू में 2। यहाँ से हमने सी की वैल्यू निकाल ली, जो वैल्यू आई उसी से हमने क्या कर दिया, टोटल जितनी काम है जितना पानी भरना है उसको हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा ये था क्वेश्चन, स्किप करके नोट करना चाहो तो कर सकते हो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें एक तरह का और क्वेश्चन होता है, वो क्या है, 3 नल ABC किसी टंकी से जोड़े गए हैं, 3 नल है एक टंकी से जोड़ दिए गए हैं, ए और बी क्रमशः 30 और 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, ए जो है वो 30 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 20 घंटे में भर सकता है, इनकी कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं, कैपेसिटी कितनी जाएगी, 30 और 20 में भर सकता है, और तीसरे पाइप सी से 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकलता रहता है, और जो एक और भी नल है सी, सी जो है उस सब कितना पानी निकलता है, 45 लीटर पानी प्रति मिनट, 45 लीटर प्रति मिनट, यहाँ पर देखो घंटे दे रखे हैं ऊपर समय हमें, और यहाँ पे क्या दे रखा है मिनट, तो उसका भी हम देखेंगे। अगर तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है, तीनों नल को, यानी कि ए और बी को हमने खोल दिया और सी जो है वो पानी निकाल रहा है, तो कितने घंटे में भर जाती है, 15 घंटे में, तो हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, 30, 20 और 15 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 60, ए की जो कैपेसिटी आ जाएगी 30 × 60 2 आ गई, बी की कैपेसिटी 20 × 60 3 आ गई, ए प्लस बी और माइनस सी, सी की जो कैपेसिटी आ जाएगी 15 × 60 4 आ गई। अब इसके आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है, टंकी की क्षमता ज्ञात करो, टंकी की क्षमता हमें ज्ञात करनी है। देखो क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो हम सी का एग्जैक्ट निकाल लेते हैं कि सी कितना समय लेगा, तो ए प्लस बी और सी क्या करता है पानी निकाल रहा है, तो माइनस कितने ले लेंगे उसकी कैपेसिटी के बराबर, ए और बी का टोटल ये सम कितना दे दिया 5, 5 − C = 4, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 5 में से 4 गए तो 1, यानी कि सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1। अब जरा देखो सी खाली कितनी देर में करेगा, तो टोटल पानी कितना 60 है और सी की जो क्षमता है वो है 1, तो हम क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि सी जो है वो 60 घंटे में उस टंकी को खाली करेगा। अब सी 60 घंटे में खाली करेगा, टोटल कैपेसिटी निकालना है हमें, कितना पानी आता है लीटर में ही होगा पानी उसके अंदर, तो 60 घंटे, और क्या दे रखा है 45 लीटर प्रति मिनट निकलता रहता है, सी की हेल्प से कितना पानी निकलता है 45 लीटर पानी प्रति मिनट, तो 60 घंटे हो गए, 60 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और कितना पानी निकलता है 45 लीटर, तो ये हमने कर दिया, 60 घंटे मिनट का बोला तो मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और 45 लीटर पानी हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे सबका आंसर आ जाएगा, 0 का 0 में मल्टीप्लाई करा 00 हो गए, इधर हमारे पास 6 6 36 हो गए, 36 × 45 वो कर लेते हैं, तो जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 00 तो वैसे के वैसे ही, 45 × 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास, कर देते हैं मल्टीप्लाई, 45 × 6 कितने हो गए हमारे पास 270, 270 के कितने हो गए 0, कैरी हो गए 27, 45 दिया कितने हो गए हमारे पास 135, 135 में 127 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 12 के 2, कैरी 1 × 3 = 2 5 और 1 = 6, और ये 1 162, यानी कि इतना लीटर पानी क्या हो जाएगा टंकी की क्षमता हो जाएगी, टंकी के अंदर कितना पानी आएगा 162000 लीटर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन, स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है, मान लो ठंडे पानी का जो नल है वो ए है, और ए कितने देर में भर सकता है 10 घंटे में भर सकता है, और गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है, गर्म पानी के नल को हम मान लेते हैं बी, और वो 15 मिनट में उसको भर सकता है, तो इनके हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 30, 30 को जिस डिवाइड कर देंगे 10 से तो 10 दिया 30, यानी कि एक ही कैपेसिटी आ गई 30,
15 29 120, बी की जो कैपेसिटी आ गई वो आ गई 2। अब उसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया। अब एक आदमी जो था वो दोनों नल को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया, यानी कि ए प्लस बी दोनों को चला के चला गया। वो ए प्लस बी की दोनों की एक साथ कम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, 5 कैपेसिटी उनकी हो गई। उस समय वापिस आया जब टब में टब को भर जाना चाहिए था। अब जरा देखो वो कितने देर में वापिस आया होगा जब टब भर जाना चाहिए था, तो निकाल सकते हैं कितने देर में भर जाना चाहिए था। दोनों की कैपेसिटी है 5, टोटल पानी आना है उसमें 30, तो 30 से हम डिवाइड कर देंगे 5 6 30, यानी कि 6 घंटे बाद उसको आना चाहिए था और वो तभी आया। टब को क्या होना चाहिए था, उस टाइम पर भर जाना चाहिए था। लेकिन अब उसके आगे पढ़ते हैं। उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया है। अब उस टब को खाली करने के लिए एक और नल लगा था, उसने देखा कि वो खुला है और अब उसने इसे बंद कर दिया है। अब जो निकासी नल जो खुला था उसने उसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया। देखो 6 घंटे तक था, 6 घंटे तक ये चले, 6 घंटे तक निकासी नल मान लेते हैं हमारा क्या है सी, तो जो सी है वो उसको खाली कर रहा होगा इसी 6 घंटे तक, तो 6 इंटू हमने क्या कर दिया, सी कर दिया, क्योंकि 6 घंटे तक वो उसको खाली कर रहा होगा। अब उसके आगे क्या है, अब 4 मिनट बाद टब भर गया। अब 4 मिनट बाद क्या हो गया, टब हमारा भर गया, भर कौन रहा है उसको, ए और बी, तो ए प्लस बी इंटू क्या कर देंगे हम, 4। 4 क्यों कर देंगे, क्योंकि 4 मिनट तक वो उसको भर देंगे। अब उसके आगे क्या बोला इन्होंने, ज्ञात करो कि निकासी नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। तो हमें यहां से निकासी नल की कैपेसिटी निकालनी होगी कि वो कितनी देर में भरेगा, तो निकालते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5, तो रख देते हैं हम। इधर क्या हो जाएगा, 6 इंटू सी, इधर हो गया ए प्लस बी की कैपेसिटी 5 और इधर क्या है हमारा 4, तो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सी यहीं पर रहेगा 5 और 2, 5 दूने कितने हो गए 10, 3 क्या आ जाएगा नीचे। सी की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 10/3। अब हमें देखना है कि कितने देर में भरेगा, तो टोटल काम करना है 30 और सी की जो कैपेसिटी है वो 10/3 है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 10/3, 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसिल, ये 3 का चला जाएगा ऊपर, तो 3 3 कितना हो गया 9, यानी कि 9 घंटे में जो सी है वो उस पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन, इसकी पर किसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। एम का मतलब है हमारे पास मेल यानी कि आदमी, और बी का मतलब है चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरह का है, 3 आदमी और 4 बच्चे मिलकर 7 दिन में 756 रुपये कमाते हैं। देखो जरा, 3 आदमी और 4 बच्चे मिलकर 7 दिन में 756 रुपये कमाते हैं। अब उसके आगे देखो, 11 आदमी और 13 बच्चे मिलकर 8 दिन में 3,008 रुपये कमाते हैं। ज्ञात करो कि कितने समय में 7 आदमी और 9 बच्चे मिलकर 2,480 रुपये कमाएंगे। अब इनके दिन निकालना है, तो पहले हम यहाँ से इनके अलग अलग कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि इनकी कैपेसिटी कितनी है। तो जरा ध्यान से देखो कैसे हम निकालेंगे, तो इनको कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6 यहाँ पर हो गया कितना 15, 2 7 14 कितने हो गए यहाँ पे 16, तो 2 8 16 यहाँ पर भी कैंसिल कर देते, 2 1 2 2 5 10 0, 2 2 8 वापिस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 वापिस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2 कितने हो गए यहाँ पे 17, 2 8 16 और 2 9 1 18 यहाँ पर वापिस कर देते हैं, 2 7 14, 2 5 10, 2 2 4। अब उसके आगे देखो किस तरह से कैंसिल हो सकता है, 7 1 7, 7 2 14 बचे कितने 4 हो गए 49, 7 7 49 यहाँ पर देख लेते हैं कैंसिल होगा कि नहीं, हो जाएगा, 8 1 8, 8 9 72 बचे कितने हमारे पास 3 हो गए 32, 8 6 32। उसके आगे देखो जरा यहाँ पर कैंसिल होगा और या नहीं होगा, कैंसिल करके देख लेते हैं। अब इसके आगे हमारा ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमने लिख लिया 3m + 4b / 27 = 11m + 13b / 94। अब जरा दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इधर, क्योंकि हमें यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी है, तो कर देते हैं 94 (3m + 4b) = 27 (11m + 13b).
अब देखते हैं इसके आगे, देखते हैं अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 3 चौके 12 के 2 के लिए 1, 3 9 के 27 और 1 28 282 m प्लस, तो 4 चौके 16 के 6 के लिए 1, 4 9 के 36 और 1 37, 376 b इक्वल टू एम वैसा का वैसे 1177 के साथ कैरी 7, 11 2 22 और 7 29, 297 m प्लस बी वैसा का भी सही, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 7 91 के 1 कैरी हो गए हमारे पास 9, 13 2 26 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 35, 351 b। अब जरा देखो हम यहाँ से एक रेशियो बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ये 282 प्लस कितने जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 297 एम में से हमने क्या कर दिया 282 एम को माइनस कर दिया, और यहाँ पे है 376 बी में से ये प्लस का 351 और जाके ये भी क्या हो जाएगा माइनस, 351 बी से ये भी हमने माइनस कर दिया, करते हैं माइनस, 7 में से 2 गए तो इधर हो गए 5, अब यहाँ पर 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा हमारा क्वेश्चन गलत हो गया दोस्तों, देखते हैं डबल से इसको। 297 एम हमने यहीं पे रखा, और ये 282 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 376 को हमने इधर ही रखा, और ये 351 उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से एक रिलेशन बना लेते हैं, 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 5, 9 में से 8 गए तो कितने बचे 1, और 2 में से 2 गए तो कुछ भी नहीं, इधर लिख दिया हमने 15 m इक्वल टू 6 में से 1 गए तो हमारे पास बचे 5, 7 में से 5 गए तो बचे हमारे पास 2, 3 में से 3 गए तो कुछ भी नहीं बचे, इधर आ गया हमारे पास b कैंसिल। अब यहाँ पे एम यहीं पे रखा, बी कहाँ पहुंचा दिया हमने नीचे, इक्वल में बचा 25 और नीचे कितना बचा 15, कैंसिल करके इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम। एम बाय बी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 25 और 5 15, ये हमारा एक रेशियो आ गया, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि 5x और 3x इनका रेशियो आ गया है। अब जरा देखो उसके आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो एक बार और क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। 3 आदमी और 4 बच्चे मिलकर 7 दिन में 756 रुपए कमाते हैं, तो जरा देखो इस तरह से, 3 आदमी और 4 बच्चे 7 दिन में मिलकर 756 रुपए कमाते हैं, तो जरा ध्यान से देखो, 3 आदमी की जो वैल्यू है वो कितने निकाल लिया हमने 5x, तो 3 इंटू क्या कर देंगे हम 5x कर देंगे, प्लस 4 बच्चे की कितने निकाल लिया हमने 3x, तो हम 3x कर देंगे, और इंटू में क्या रहेगा हमारे पास 7, इक्वल में क्या चलेगा 756, 5 तिया कितना हो गया 15x, और 4 तिया कितना हो गया 12x, और ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा 756 के नीचे, तो कैंसिल कर देते हैं, 7 एकम 7 0 7 8 56, 12 और 15 कितने हो गए 27x, 27x इक्वल टू आ गया हमारा 108, कैंसिल कर देंगे वापस यहाँ पर, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 3 चुक 12, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 4। अब जा देखो क्वेश्चन में पूछा 7 आदमी और 4 बच्चे, 7 आदमी और 4 9 बच्चे मिलकर 2480 रुपये कमाएंगे, तो कितने दिन में, तो हम मान लेते हैं डी डेज यहाँ पर मान लेते हैं कि, या फिर वाई हम मान लेते हैं कि वाई दिन में वो इतना पैसा कमाएंगे। अब जरा देखो 7 आदमी, आदमी जो है वो क्या, हाँ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 4, तो हम 4 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7 आदमी कितने हमारे 5x, और एक्स की यहाँ पे कितना रखेंगे हम 4, तो 5 चौके कितने हो गए 20, तो आदमी की जगह पे हमने रख दिया 20, और प्लस 9 बच्चे कितने हमारे बच्चे हैं 3x, तो एक्स की जो वैल्यू आ गई है 4, तो 4 तिया कितना हो गया 12, बी की जगह पे हम कितना रख देंगे 12, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2480, वाई अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 7 2 14 यानी कि 140, और 12 9 की 108, 140 और 108 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 8 8, 0 4 4 1 और 1 2, 248 इक्वल टू 248 0, बाय इक्वल टू 248 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे, 248 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 248 से कम 248, और ये 0, वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई, यानी कि वो 10 दिन में 2480 रुपये कमा लेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल, धन्यवाद।